तो गाइस अगर आप लोग पिक्सेल लाइफ डिस्कस करते हो, पिक्सेल लाइफ में नया नया फॉन्ट यूज कर देते हो, हिंदी इंग्लिश बंगाली या कोई भी लैंग्वेज का, बट हाउ, डोंट वरी। तो इसके लिए इसी वीडियो को एंड तक देखना होगा, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले कैसे आप गूगल से नया नया डिजाइन का फॉन्ट डाउनलोड करके आप पिक्सेल लैब में ऐड करके एडिट कर सकते हो। तो अगर आपको हिंदी या इंग्लिश फॉन्ट चाहिए तो आपको गूगल में जाकर सर्च करना है हिंदी या इंग्लिश फ्री फॉन्ट डाउनलोड। तो आपके सामने बहुत सारी वेबसाइट आ जाएगी, आपका मनपसंद सिलेक्ट करके आप डाउनलोड कर लेना। और अगर आपको बंगाली फॉन्ट चाहिए तो आपको गूगल में जाकर सर्च करना है lipigor.com या सिर्फ लिपिकोर भी लिख सकते हो। तो आपके सामने में लिपिकोर का वेबसाइट आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, पहले वाला जो ऑप्शन है लिपिकोर, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करते हो आपके सामने में एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे फॉन्ट है अलग अलग डिजाइन का। तो आप लोग विजिट करके जरूर देखना अगर आपको बंगाली फॉन्ट चाहिए। तो बिना टाइम का भाई कैसे डाउनलोड करना और कैसे ऐड करना चले दिखाई दो। तो आपको जो फॉन्ट पसंद है इसके नीचे में देख सकते हो डाउनलोड का ऑप्शन है, तो इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हो आपके सामने में और एक इंटरफेस ओपन हो जाएगी। तो आप नीचे में देख सकते हो और एक डाउनलोड का ऑप्शन है, इसके ऊपर फिर से आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हो आपके सामने एक बॉक्स आ जाएगी, राइट क्लिक करने के इसको फिल करना है और डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करते हो देख सकते हो आप डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई। तो अभी देख लेते हैं डाउनलोड हुआ या नहीं, तो इसके ऊपर क्लिक करके देख लेते हैं। तो देख सकते हो डाउनलोड हो गए। तो आपको क्या करना है, आपके जो फ़ोन में जो फाइल मैनेजर है इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, आर्काइव जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है। या ऊपर में देखते हो सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पर सर्च करना है जीप लिख के। तो आपके सामने जितने सारे जीप फाइल है सभी आ जाएगी। तो आप लोग देख लेना कौन सा अभी अभी डाउनलोड किया। तो इसके ऊपर क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ऑल पर क्लिक करना है और फिर से एक्सट्रैक्ट टू डाउनलोड पर क्लिक करना है। करने के बाद आपको फोन स्टोरेज या एसडी कार्ड सिलेक्ट करना है और नया एक फोल्डर बना लेना है। तो मैं कोई भी एक फोल्डर बना लेता हूँ, फोन 2022 लिख लेता हूँ। तो इसको फोल्डर क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हेयर्स पर क्लिक करना है। तो सभी एक्सट्रैक्ट हो गए। तो अभी क्या करना है, बैक होके आपको चले जाना है पिक्सेल लैब पर। तो अभी आपको दिखाने वाले कैसे इसी फॉन्ट को ऐड करना है पिक्सेल लैब पर। तो मैंने ओपन कर लिया, तो मैं कोई भी एक टैग लिख लेता हूँ, कुछ भी लिख लेता हूँ। बंगाली फॉन्ट लिख लिया तो कुछ बंगाली लिखता हूँ, गुड नाइट मतलब शुभ रात्रि। तो मैंने सिलेक्ट कर लिया मतलब लिख लिया। तो लिखने के बाद नीचे में देख सकते हो फॉन्ट का ऑप्शन आ जाएगी, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ ए बी जो लिखा है इसके नीचे में फॉन्ट। तो ए बी के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, ऊपर में देख सकते हो फॉन्ट माई फॉन्ट और रिसेंट लिखा है। तो आपको क्या करना है, माई फॉन्ट के ऊपर क्लिक करना है। करने के बाद राइट साइड में देख सकते हो एक फोल्डर का सिंबल, हाँ इसके ऊपर क्लिक करके आपको जो फोल्डर बनाया था कुछ देर पहले इसी फोल्डर को आपको ढूंढना है और इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आपको थ्री फोल्डर दिखने मिलेगी, B1 B2। तो आपको B1 में क्लिक करके एड डायरेक्टरी ऊपर क्लिक कर लेना है और करने के बाद आपको ओके कर लेना है। फिर से आपको सेम प्रोसेस करना है और 2022 जो फाइल बनाए थे नया इसके ऊपर क्लिक करना है और B2 जो फाइल था इसके ऊपर क्लिक करके एड डायरेक्टरी ऊपर क्लिक करना है। तो आगे आपको क्या करना है, आपको जाना है जो फॉन्ट आपने सिलेक्ट किया था मतलब लिख लिया था इसके ऊपर क्लिक करके आपको ए बी जो फॉन्ट लिखा है नीचे में इसके ऊपर क्लिक करना है और माई फॉन्ट पर क्लिक करके ऊपर में देख सकते हो जो इंग्लिश लिखा है इसके ऊपर क्लिक करना है। तो देख सकते हो आपका फॉन्ट चेंज हो गए। दोस्तों अगर आपको इसी वीडियो से कुछ हेल्प मिलता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी ऑल कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पर आपको इसी तरह बहुत सारे हेल्पफुल वीडियो नए देने के हर वक्त मिलते रहेगी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले और एक वीडियो लेकर, तब तक के लिए टाटा गुड बाय।